हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीना एंड अथर्वा चैनल से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ जाइए, आज मैं फिर एक न्यू एक्टिविटी लेके आया आप सबके सामने। जो जो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा अच्छा एक्टिविटी मिलेगा, जो करके आपके बच्चे को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आ जाइए, देखता है इसके लिए क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड, क्या चाहिए? ऐसे एक शेप्स का वो चाहिए। इसमें जैसे दो फायदा होता है, एक तो मेमोरी तेज होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपके पास अगर ऐसे वाला नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे एक पेपर ले लिया, पेपर में ड्राइंग कर लिया, ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ऐसे सेम कलर की पेपर से काट के अपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल बना लिया। तो आप बच्चे को क्या बोलोगे? बोलोगे बच्चे रेड कलर की ट्रायंगल सेम जगह पे रखो। तो उसमें बच्चे को क्या फायदा होता है? एक तो सेम ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगता है, ऊपर से ये ट्रायंगल है वो भी पता लगता है, फिर एक कौन सा कलर है वो भी पता लगता है, रेड कलर। तो एक गेम में तीन चार फायदा हो जाता है, जिसमें बच्चे को बच्चा सीख जाता है ये ट्रायंगल है, ये रेड कलर की है, इसको सेम जगह पे रखना है। तो तीन पहचान हो जाता है, सेम जगह ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल। तो ऐसे ही बोलना है, सर्कल को, रेड सर्कल को सेम जगह पे रखो। तो रेड कलर का पहचान हो गई, सर्कल का पहचान हो गई, सेम जगह की पहचान हो गई। सेम मतलब ये पता लग जाता है ना बच्चे को, एक जैसे जिस चीज को सेम बोलता है। तो उसको डिटेल्स बोलना है, ऐसे करके फिर बताना है। और रेक्टेंगल रखो सेम जगह पे, स्क्वायर रखो सेम जगह पे। जब इसको ये सीख जाए तो अब इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। क्या करना है? बहुत सारे ट्रायंगल, स्क्वायर छोटा छोटा करके काट के साइड में रखना है और बहुत सारे शेप्स बनाना है। फिर उसको बोलना है आप रखो। तो जब छोटा हो जाएगा तब उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अरे इतने सारे काट के साइड में रखना होता है, तो जाके उसके अंदर से ढूंढ के सेम जगह पे चीज रखना बहुत मुश्किल के काम होता है बच्चों के लिए। हर काम करना स्पेशल चाइल्ड के लिए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अगर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो, अगर आप माँ होके अगर हर रोज काम में उसको बिजी रखोगे तो सारे काम सीख जाता है। थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस के साथ करना पड़ता है। अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा रिलैक्स होके स्माइल फेस बना के धीरे से उससे काम करवाना है। थैंक यू फ्रेंड। कैसे लगा मेरे वीडियो? अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो जो फ्रेंड मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच फ्रेंड। बाय।